और देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, इतनी भूमिका हमने तैयार कर ली है पूरे ज़िले में कार्यकर्ता और जनता में घूम करके, क्योंकि जीत हार मतदाताओं के हाथ में है, कार्यकर्ताओं के हाथ में है। और होर्डिंग लगा दिया कि लोगों की निगाह में आए कि हम भी यहाँ एक शख्सियत हैं जो चुनाव हम लड़ सकते हैं। हम टिकट आज भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। हम जो चर्चाएं चल रही हैं, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी न्यूज़ पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सिमावस्थी। दरअसल आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लिया था, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बैजनर राव जी। इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि ये टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि अगर ये टिकट नहीं मांग रहे हैं तो ये इतना भाग दौड़ होल्डिंग भी इनकी अब दिखने लगी हैं, और एक छोटी सी गाड़ी से दिन भर दौड़ते रहते, सोशल मीडिया पर अक्सर ये चर्चा में बने हुए हैं। तो विधायक, सबसे पहले आपका स्वागत है यूपीटीवी पर। जी, धन्यवाद आपका। सवाल है कि आप टिकट मांग रहे हैं कि नहीं? आप हम टिकट आज भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। हम जो चर्चाएं चल रही हैं, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों पर मंथन करने जा रही है। अच्छा। और परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि अगर कोई परिवर्तन किया जाए, ये प्रत्याशी बदला जाए या कोई नया व्यक्ति दिया जाए, तो हमारे नाम पर विचार कर लिया जाए। और पूरे ज़िले मेहनत इसलिए करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पूरे ज़िले में हमारी जान पहचान है। नहीं, आप कह रहे टिकट नहीं मांग रहे हैं, पेट्रोल उड़ाए दे रहे हैं गाड़ी का, होल्डिंगें सज रही हैं, सोशल मीडिया पर आप जो है क्या कहते हैं लगातार देख रहे हैं कि पूरे बाराबंकी जनपद में आपकी फ़ोटो हमको मिलती रहती हैं, तो माजरा क्या है? जब टिकट नहीं मांगा, किसी का टिकट कटवाने में लगे हैं क्या? हमने पिछली बार भी कहा था, मुझे टिकट किसी कटाना नहीं है। हाँ। अगर पार्टी परिवर्तन करे तो मेरे नाम पर विचार करे। हाँ। होर्डिंग इसलिए लगी। अच्छा, आपको लगता है कि परिवर्तन होने वाला है? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कहाँ क्या करेगा। अजीब और गरीब परिवर्तन वहाँ होते हैं, जैसे हमारा टिकट पिछली बार कटा था। हाँ। मुझे एहसास ही नहीं था और किसी को नहीं एहसास था, तो कॉन्फिडेंस थे, हमें बिल्कुल पक्का था कि हमको टिकट मिलेगा। हाँ। भाई, हमारे में कोई कमी नहीं दिखी, इसीलिए मैंने 20 सवाल पूछे थे संगठन से कि हमारे इतनी कमियां नेताओं में होती हैं और इतनी कमियां हमको बता दो, कोई कमी है क्या? हमने सवाल पूछे थे। जवाब मिला या आज जवाब हमको नहीं मिला? हाँ। तो हम पार्टी के काम के लिए 2024 में मोदी जी की सरकार बने, भारी बहुमत से लोग विजयी हों, इसलिए हम गाँव में, जनता में, कार्यकर्ताओं में, पूरे जनपद में घूम घूम के मोदी जी के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। और हमारा जब भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है, इसलिए हम पूरे ज़िले में घूमते हैं। यहाँ सब लोग नुमाइंदे हैं। भाजपा से उपेंद्र सिंह राव सांसद हैं, तो हम वही बताया कि वो लड़ेंगे तो हमारी जो मेहनत है सब उनके काम आएगी। हम तो भाजपा काम कर रहे हैं, हम उपेंद्र रावत भी काम नहीं करते, बैजनाथ रावत काम नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं। 14 में कुछ लोग 19 तक का साथ छोड़ गए हमारा, जैसे 2.25 लाख से पहले प्रत्याशी 14 में हमारा लोकसभा जीता, लेकिन 19 में आके 1,20,000 से जीता हमारा, 1 लाख वोट हमारी घट गई। और जब 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो इस लोकसभा क्षेत्र भर में 1,20,000 वो भी हमारा ख़त्म हुआ, 15,000 कुछ और माइनस चले गए, तो 1,35,000 वोट हमारा 3 साल में घटा। आश्वासन है, हमने किसी से कहा ही नहीं हमको टिकट दीजिए, हमने किसी से नहीं कहा, ना जिला अध्यक्ष कहा, ना प्रदेश अध्यक्ष, हमने किसी से नहीं कहा, हम काम करते हैं। यदि परिवर्तन किया जाए तो मेरे नाम पर विचार किया जाए, इसलिए हम मेहनत करते हैं होर्डिंग के नाते, और जो घूम घूम के मेहनत करते हैं वो मोदी जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। आपको लगता है बिखरे हुए कार्यकर्ता हैं? हैं भाई, अगर हैं, हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हम जब एक साफ मकसद है कि गुटबाजी है, गुटबाजी की बात नहीं करते, लेकिन मतदाता कहीं कहीं हमारे हाथ से गया है, क्योंकि 2017 में जब हम चुनाव लड़े थे 5 विधायक थे हमारे, आज की तारीख में हमारे पास 2-3 विधायक हैं, और एक विधायक का बहुत मार्जिनल जीत हुई है, कुर्सी से बहुत कम थे, तो इसलिए कहीं कहीं हमारा कार्यकर्ता और मतदाता हमारे हाथ से गया तो ही है, तो हम उसको एक जगह करने की बात करते हैं। अच्छा, जितने प्रत्याशी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा नजर पा रहे हैं इस समय? नहीं, हम कहीं खड़ा नहीं, हम सिर्फ अपने को प्रस्तुत करके रखा है, उनकी मर्जियाँ देंगे, मर्जियाँ न दें। कौन है? अच्छा, आपकी नज़र में वो प्रत्याशी आप बता दें। जनता पार्टी जो सर्वे आएगा उसमें नाम चला जाएगा। आपके हिसाब से कौन है बता सकते हैं? नहीं, चूँकि हमारे कार्यकर्ता सभी हमारे लिए कीमती हैं। हाँ। लेकिन मतदाता की इच्छा हमको नहीं मालूम है, तो जो सर्वे कराएंगे, जो मतदाता और कार्यकर्ता जिस पर
अधिकतम समर्थन व्यक्त करें, हम मान लेंगे कि वही सबसे बेहतर होगा। आप एक वैगनार गाड़ी से, मतलब सांसद थे, मंत्री थे, विधायक थे, इतनी सादगी के जीवन से वैगनार गाड़ी से घूम रहे हैं और यहाँ जो है क्या कहते हैं लोग काफिलों के साथ चलते हैं, तो उसका कुछ असर रहता है नहीं जनता की? भारतीय जनता पार्टी के एक स्लोगन चला था विद द डिफरेंस, हम दूसरे से हम अलग हैं। महात्मा गांधी को आप सभी लोग जानते हैं, एक धोती पहनते थे वही ओढ़ते थे, बिना मतलब का जो 10 गाड़ियों का काफिला चल के, उस समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और देश इतना बोझा उठाने में समर्थ नहीं है। दिखता तो वही है, दिखता वही है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अच्छा, आप टिकट पाने के बाद भौकाल दिखाएंगे? भौकाली नहीं, भौकाली आदमी को समाज नहीं मानता, भौकाली को, बेईमान को सब पब्लिक जाना करती है। कौन? अच्छा, एक आपके खास मित्र हुआ करते हैं, अरे हैं भी, साथ में गाड़ी से घूमते थे, अब वो भी आपके सामने टिकट मांग रहे हैं। नाम लेना चाहेंगे अमरीश रावत जी, जो आपके साथ साथ बैठ में साथ में बैठ कर चाय और एक ही गाड़ी में आप सफ़र करते थे, क्या बात हो गई कि ये आपके सामने टिकट मांग रहे हैं? राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपने को प्रस्तुत करना कोई बेजा नहीं है। जैसे हम भाई, हमारा मौजूदा सांसद है लेकिन हम भी टिकट मांग रहे हैं, तो हम अपने प्रस्तुत कर रखे हैं, तो इसे उनको आगे बढ़ना है। सांसद की बात तो अलग हो गई, लेकिन एक मित्र की बात है, मित्रवत नहीं तो मित्रवत, हमें उपेन जी से भी हमारी मित्रता है। हाँ। हमारे सांसद हैं, लेकिन तो आपको टिकट ही मांगना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमने कहा अगर परिवर्तन किया जाए तब हमारा नाम पर विचार किया जाए। बात हमें नहीं समझ में आई कि आप टिकट भी नहीं मांग रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं दबा के, मतलब पेट्रोल में खर्च कर रहे हैं, होल्डिंग भी लगा रहे हैं, अब देखा कि चौराहे पे आपकी होल्डिंग बढ़िया हैंडसम दिख रहे हैं, उसमें होल्डिंग में काफ़ी जवान दिख रहे हैं, तो माजरा समझ नहीं आ रहा, मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। देखो ये आपके कार्यकर्ता तो क्लियर करिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर पार्टी मुझे, लेकिन टिकट नहीं मांग रहे हैं। टिकट नहीं मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे लेकिन टिकट नहीं मांग रहे हैं। पार्टी को लगेगा कि हम बेहतर हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन परिवर्तन की दिशा में अगर चाहते कि मैं प्रत्याशी बदलूंगा तो उसमें हम अगर बेहतर हैं तो हम पर विचार करें और देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इतनी भूमिका हमने तैयार कर ली है पूरे ज़िले में कार्यकर्ता और जनता में घूम करके, क्योंकि जीत हार मतदाताओं के हाथ में है, कार्यकर्ताओं के हाथ में है। खंभे पर लगी होर्डिंग से चुनाव नहीं जीतेंगे, तो इसलिए हम होमवर्क करते हैं। जानते जी, होल्डिंग होल्डिंग लग रही, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई मतलब इसका नहीं है, जब हमको पूरा जिला जानता है। तो फिर आपने क्यों लगा दी? हमने लगा दिया कि नेतृत्व में ना, नेतृत्व को लगे कि हम भी यहाँ हैं, मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मांग रहे हैं। टिकट नहीं मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, अगर देंगे तो। बहुत लोगों को बिना मांगे टिकट मिलता है भाई, हम पार्टी किसको उठा के रख देगी ये क्या पता, तमाम लोग राष्ट्रपति बना दिए गए, गवर्नर जिनको पता ही नहीं था हमको बनना है, तो पार्टी के सामने हमारा एक व्यक्तित्व है कि जिले में हमारा होमवर्क है, पार्टी 2024 जीते इसके लिए, जिताने के लिए हम पूरे ज़िले में घूम टहल रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। कार्यकर्ता अगर मायूस है तो उसके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसको उत्साहित करते हैं कि भाजपा के लिए लगना है, तो भाजपा के संगठन को, मतदाताओं को एकत्रित करने के लिए ये पूरा काम हम कर रहे हैं। प्रत्याशियों में हम उतनी रेखा ऊंची कर देंगे, हमको किसी को छोटा नहीं, हम रेखा खींचेंगे जो अब दूसरी छोटी हो जाएगी, तो अगर लगेगा हम रेखा में बड़े हैं तो हमारे पर विचार कर लेंगे वो। हमारा उल्टा इसलिए कि जब विधायक थे हम टिकट मांग रहे थे तो हमको नहीं दिया गया, इस बार मांगेंगे नहीं। हम मांगेंगे नहीं, मर्जी हो लड़ाओ, मर्जी हो न लड़ाओ, में काम पार्टी कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं पार्टी का, और सबसे ज़्यादा वोट भाजपा के लिए हम इकट्ठा करके दे रहे हैं। नहीं थे अभी पटेल जयंती थी तो भी हमारे लगा साथ में थे। अच्छा, पार्टी वाले साथ में लगाते नहीं कार्यक्रम सर? नहीं, अलग अलग लगाते हैं। जहाँ दिनेश रावत जाएंगे हमको अलग लगा दें, जहाँ हमको लगा था हरक ब्लॉक में हमको लगाया था बीडीसी वाले में। अच्छा, अभी कह दीजिए टिकट मांग रहे हैं आप, कह दीजिए एक बार की टिकट मांग रहे हैं। अभी नहीं मांगा है, झूठ नहीं बोलेंगे, अभी टिकट नहीं मांगा किसी से, नहीं मांगेंगे अभी, अब आगे बात बताएंगे, फिर अब आप कहते हो तो देखेंगे, लेकिन हम अभी तक किसी से कहा नहीं। कार्यकर्ता ये क्या करे भाई, अब टिकट नहीं मांग रहे हैं तो कैसे मेहनत भाई, आप मेहनत से मिल जाता है, मेहनत से मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक बैनर राव जी, और सांसदी की रेस में लगे हैं, अंदर की बात हम आपको बता दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब यह प्रदेश के नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को सोचने की जरूरत है कि विधायक जी अब भी कह रहे हैं कि टिकट, क्योंकि इस बार पिछली बार धोखा हो गया था विधायक जी के साथ, इन्होंने कहा था कि टिकट मांग रहे थे, दिया नहीं गया, इस बार मांगेंगे नहीं, देखते हैं, देते हैं नहीं, अब देखते हैं विधायक जी की ये चाल कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, विधायक से मिलेंगे भी हम।